और उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है आजमगढ़ से। और आजमगढ़ में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसका अंदाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी ने नहीं लगाया था। अखिलेश यादव का गढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत हासिल कर ली है। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ ने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव यहां से हार चुके हैं। बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। तीसरे नंबर पर रही बसपा, लेकिन 1,70,000 से अधिक वोट हासिल किया है, बल्कि 1,85,000 के करीब वोट हासिल किया है। सपा से खिसक गया मुस्लिम वोट, इस वजह से आजमगढ़ में सपा को हार हासिल हुई है। भाजपा खेमे में जश्न शुरू हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सेंधमारी कर दी है आजमगढ़ में। जो काम लोकसभा चुनावों में नहीं कर पाए थे, वो उपचुनाव में हासिल कर लिया है, जीत हासिल की है और अब संसद में बैठेंगे। तीसरे नंबर पर रही बसपा, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहना इतना भारी पड़ गया समाजवादी पार्टी को कि सपा को अपने गढ़ में ही हार का मुंह देखना पड़ा है। भाजपा खेमे में जश्न शुरू हो चुका है। आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक और रामपुर से लेकर लखनऊ तक ये जश्न दिखाई दे रहा है भाजपा ही खेमे में। निरहुआ ने जीत हासिल की है, सांसद बन चुके हैं अब आजमगढ़ से। और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ अखिलेश यादव ने छोड़ी थी और माना ये जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए आसान सीट है। हमेशा से आजमगढ़ में सपा का कब्जा रहा है और विधानसभा चुनावों में भी 10 में से 10 विधानसभा में सपा का कब्जा हुआ है। तो इस वजह से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की दाल शायद यहाँ गले, लेकिन उलटफेर हुआ है। भाजपा ही खेमे में जश्न दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज कर दी है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो भोजपुरी स्टार हैं और अपने कैंपेन के दौरान उनके जो बयान है वो भी खूब वायरल होते रहे, उन्होंने जीत दर्ज कर दी है। बड़ा उलटफेर है उत्तर प्रदेश की सियासत में। 2024 से पहले उपचुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 में भी विपक्ष का क्या हाल होगा। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है, आजमगढ़ में सपा को करारी हार मिली है, भारतीय जनता पार्टी में जश्न शुरू हो चुका है और निरहुआ ने जीत दर्ज कर दी है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ वो सीट है। आजमगढ़ में तमाम विधानसभाएं वैसी सीटें हैं जहां पर कभी भाजपा की दाल नहीं गली, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। सपा का गढ़ कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने सपा के गढ़ में सेंधमारी कर दी है, बल्कि अखिलेश यादव के गढ़ में सेंधमारी कर दी है। और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि बसपा ने पूरा साथ दिया, 1,70,000 से अधिक वोट बसपा के उम्मीदवार को मिले और इस वजह से जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट है मुस्लिम वोट, वो पूरी तरह से बसपाई खेमे में चला गया और सपा को यहां से हार हासिल हुई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, रामपुर के बाद अब आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी की हार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुआ है, जो सपा के कब्जे में थे, वह भाजपा के खेमे में जा चुकी हैं। दोनों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है।